हेलो, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस सर, गुड इवनिंग सर। ओके, ऋषि प्रत्युष एंड सात्विक। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ फ्यू ऑफ द टॉपिक्स व्हिच आर रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ क्लास 9, बट दीज आर लिटिल मोर एडवांस्ड टॉपिक्स इन द सेंस दैट नॉट एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन क्लास 9 सिलेबस। सो इन क्लास 9 सिलेबस ग्लिम्स ऑफ दैट इज गिवन एंड what we are going to see will be an elaboration on that one, especially these two chapters. In your NCERT there is third chapter and fourth chapter. Third chapter is atoms and molecules, that is precisely it is dealing with mole concepts, atomic masses and all, and the fourth chapter, that is the structure of atom. So we shall begin with discussion on mole concept, okay? And from now onwards classes will be little more regular, okay? तो हम लोग फिर शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हैं मोल कंसेप्ट ये सब के बारे में, ठीक है? मोल कंसेप्ट, ठीक है? तो सबसे पहले प्रत्युष, कैन यू टेल व्हाट इज मोल? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वन मोल? क्या हुआ, सब भूल गए हैं? अंजलि आप बताइए। सर, वन मोल इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एनी मॉलिक्यूल और एटम। वन मोल इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ व्हाट? सर, मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट्स। ये आपको बोलते हुए थोड़ा लग नहीं रहा है कि कुछ गड़बड़ बोल रहे हैं? तो नंबर ऑफ पार्टिकल, जैसे अगर आप क्या बोले, अगर आपके पास 20 एटम्स हैं तो उसको क्या बोलेंगे आप? 20 मतलब इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 20 है, लाइक दिस। तो मोल क्या होता है फिर? सब लोग भूल गए, मतलब मेरे को लगता है ना, थोड़ा दिन के लिए छुट्टी मिला केमिस्ट्री से तो सब भूल गए। तो वन मोल क्या होता है? वन मोल, मोल इज बेसिकली अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है? इज अ यूनिट ऑफ क्वांटिटी बेसिकली, ठीक है? जिस तरह क्वांटिटी का यूनिट आप एक तरह से डजन कह सकते हैं, ठीक है? तो वन डजन इज इक्वल टू हाउ मेनी? 12, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज टेलिंग यू वन डजन बनाना, इट मीन्स 12 bananas, राइट? यस सर। सिमिलरली इफ समवन इज टेलिंग यू 1 dozen atoms, व्हाट इट मीन्स? सर 12 atoms। 12 atoms, समझ में आता है सबको? यस सर। सिमिलरली वन मोल इज ऑल्सो, मोल इज एक्चुअली द एसआई यूनिट ऑफ क्वांटिटी, ठीक है? इट इज नॉट जस्ट अ यूनिट, इट इज एसआई यूनिट ऑफ क्वांटिटी। तो वन मोल का क्या मतलब होता है? वन मोल इज इक्वल टू 6.02 × 10⁻², ठीक है? क्योंकि एटम्स हम लोग 10 एटम या फिर 12 एटम का बात नहीं चलेगा। एटम्स जब भी हम लोग लेंगे तो बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल, उसका बहुत, अगर छोटा अमाउंट भी आप ले रहे हैं तो उसके अंदर 10⁻², 10⁻³० ऐसे मोल्स होंगे, सॉरी ऐसे इतना उसका नंबर होगा, इतने एटम्स होंगे, ठीक है? अगर 10 ग्राम, 5 ग्राम भी अगर आपने लिया है उसके अंदर इतने सारे पार्टिकल्स होंगे, बिकॉज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन मोल एटम्स? का मतलब है 6.02 × 10⁻², एटम्स, ठीक है? यस सर। सिमिलरली वन मोल बनाना का क्या मतलब है?
सर 6.022 × 10³ बनानास। 23 बनानास, वेरी गुड। ठीक है, तो मोल क्या होता है, समझ में आ गया सबको? यस सर। सात्विक आपको क्लियर है? यस सर। ओके, सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी। मोल क्या होता है, हमारा क्वांटिटी होता है, एक यूनिट ऑफ क्वांटिटी है बेसिकली। ओके, तो इस पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इफ यू हैव वन मोल रुपीज विथ यू, and you are spending ₹1,000,000 million में 10^6 में 1,000,000 rupees every second, in how much time will all your money get exhausted? ठीक है, this is question number one. Question number two. Charge on one electron is equal to 1.6 × 10⁻¹⁹ coulomb. What will be the charge on one mole electrons? Okay. Question number three. Mass of one electron is equal to 9.1 × 10⁻³¹ kg. What will be the mass of one more electron? ठीक है, समझ में आ रहे हैं तीनों क्वेश्चन सबको? Yes sir. Okay, so you have 3 minutes. इसको तीनों का आंसर बताओ मेरे को जल्दी से. All the best.
हेलो, हो गया ये क्वेश्चन? यस सर। ओके, आपसे प्रत्युष? यस सर। ओके सर, ओके आंसर बताइए सर। फर्स्ट का 6.022 × 10³ सेकंड्स। 6.022 × 10³ सेकंड्स। यस। 23 क्यों आ रहा है? नो 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 सर, 23 नहीं, 17 सॉरी 17 सेकंड। देखो तो एक सेकंड में कितना पैसा खर्च कर रहे हैं आप, 10⁶। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 इन 1 सेकंड। ठीक है, मनी स्पेंट आपका कितना है? रुपीज 10⁶। यस सर। और टोटल रुपीज आपके पास कितना है? रुपीज 6.02 × 10⁰³। तो टाइम कितना लगेगा आपको स्पेंड करने के लिए? 6.02 × 10⁰³ × 10⁶ ये क्या आ जाएगा? 6.02 × 10⁰⁷ सेकंड। यस सर। इसको डेज, मंथ्स, इयर्स में कन्वर्ट करो तो इयर्स में। ठीक है, कितने साल लगेंगे? ठीक है, जल्दी से करो इसको। सर मेरा आंसर आ गया। क्या आया, कितने इयर्स आ गए पहले का? सर इस ये साइंटिफिक नोटेशन में निकला है 1.649332 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ इयर्स। ओके, तो जो भी आपके पास सेकंड्स हैं 6.02 × 10⁷ तो अपॉन 60 करेंगे इतने मिनट्स हो जाएंगे। ठीक है, अपॉन 60 करेंगे इतने क्या बोले आवर्स हो जाएंगे, अपॉन 24 करेंगे इतने डेज हो जाएंगे, अपॉन 365 करेंगे इतने इयर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है देखो कैलकुलेटर में। बताओ इसकी वैल्यू कितनी आई? आपने ये किया है सात्विक? क्या है इसका वैल्यू सर? 1.649332 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ इयर्स। 15 इयर्स। ओके, सबका ये आंसर है। हेलो प्रत्युष एंड अंजलि एंड खुशी। यस सर। ओके चलो ठीक है। देन सेकंड पार्ट में क्या था? आपको चार्ज निकालना था ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। इसका क्या आंसर आया बताओ जल्दी सर? 9.622 मल्टीप्लाइड बाय 10⁴ कूलम्स। करेक्ट। ठीक है, तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना है? क्वेश्चन में दिया है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है, तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? 6.02 × 10⁰³ इलेक्ट्रॉन्स। इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? तो एक पे चार्ज इतना है
तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिटरी मेथड, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्व करो तो 19 6 कितना होता है, सॉरी 16 9.6, ठीक है, इनटू 10 टू द पावर 4 अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल आ जाएगा। सबका ये आया है? यस सर। ओके, सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन में क्या है, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन दिया है, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना है, ये सब फैक्ट्स आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली मास ऑफ वन मोल इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, वन मोल इलेक्ट्रॉन मीन 6.02 इनटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन, 6.02 इनटू 10 टू द पावर 23 इनटू 9.1 इनटू 10 टू द पावर -31 केजी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 96 का 54.6 इनटू 10 टू द पावर -8 केजी आ जाएगा। ये आया सबका? यस सर। चलो ठीक है, सबको क्लियर है ये तीनों क्वेश्चन? यस सर। ओके, फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मूल कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं एक एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना आया, वन इलेक्ट्रॉन का मास कितना है हमारे पास, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बताओ, अभी क्वेश्चन में लिखा था इन्फॉर्मेशन। मास ऑफ प्रोटॉन। अब देखो ये जो मास वगैरह है, ये हर बार जैसे आपको एक प्रोटॉन का मास है तो ये 10 टू द पावर -27 के ऑर्डर का है। अगर आपको सिमिलरली मास निकालना हो किसका, मास ऑफ लेट अस से वन कार्बन एटम, एक कार्बन एटम का अगर आपको मास निकालना है, तो अगर आप इसके केजी के टर्म्स में लिखेंगे तो ऐसे ही हर बार 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 ये समथिंग समथिंग इनटू 10 टू द पावर -27 केजी, ऐसा कुछ बार बार लिखना पड़ेगा इतना लंबा। बात समझ में आ रही है? यस सर। सो दैट इज व्हाई इन ऑर्डर टू सिंपलीफाई दैट हम लोग एक यूनिट डिफाइन करते हैं, that unit is called as AMU, ठीक है। AMU क्या होता है, basically this is your atomic mass unit, और इसकी value कितनी होती है, 1 AMU, एक proton का जो mass है उसके equal हम लोग इसको ले लेते हैं, ठीक है। 1 AMU is equal to 1.66 into 10 to the power -27 kg, ठीक है। तो अब जितने भी मास होंगे कार्बन एटम के, ऑक्सीजन एटम के, नाइट्रोजन के, मतलब जो छोटे छोटे वैल्यूज आएंगे वो सब एएमयू के टर्म्स में बहुत छोटे छोटे वैल्यूज आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। ठीक है, अब ये एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग डिफाइन कैसे कर रहे हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास मींस मास ऑफ, रिलेटिव एटॉमिक मास हम लोग डिफाइन करते हैं किसी एलिमेंट के लिए या किसी कंपाउंड के लिए, ठीक है। तो लेट अस से कोई एलिमेंट या फिर कंपाउंड है x, उसका रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ x हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो दैट विल बी मास ऑफ x अपॉन 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, ठीक है। मतलब मास ऑफ अच्छा यहाँ पे एक चीज और लिख लो, मास ऑफ वन एटम ऑफ x, वन एटम ऑफ x अपॉन 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप, ठीक है। तो 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 आइसोटोप का क्या मतलब है, कार्बन के अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। तो कार्बन के प्रोमिनेंटली दो आइसोटोप्स होते हैं, C12 एंड C14। C12 का मास कितना होता है, 12 AMU होता है, ठीक है। 12 AMU मतलब एक एटम का मास ऑफ वन एटम, ठीक है। C14 का मास कितना होता है, 14 AMU होता है, ठीक है। दिस इज मास ऑफ वन एटम ऑफ, ठीक है। तो ये 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम का मतलब बेसिकली वही है, 1 AMU, ठीक है। और मास ऑफ ये जो x होगा उसकी भी कुछ वैल्यू होगी, लेट अस से कैपिटल m से उसको डिनोट करते हैं,
ठीक है, तो इसकी मास हो गई m amu और इसकी मास है 1 amu, तो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हो जाएगा m. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर. तो 1 amu हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं, या तो इसको 1 by 12 into mass of C12 isotope बोल सकते हैं, बहुत तरीके से एक्चुअली इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन अलग अलग एटम का जो एटॉमिक मास होता है. हम लोग RAM को, ये जो RAM है हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास, इसको अलग अलग तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है. तो इसकी वैल्यूज आती है अलग अलग एटम्स के लिए, NCERT में टेबल है, ठीक है. तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, तो यहाँ पे हम एलिमेंट लिख रहे हैं और यहाँ पे आप लोग बताइएगा उसका रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है. जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी थर्ड चैप्टर पढ़ चुके हैं वो बता सकते हैं, ठीक है. तो हाइड्रोजन का बताओ प्रत्युष क्या होता है रिलेटिव एटॉमिक मास? क्या हुआ, याद नहीं है आपको? हेलो सर, याद नहीं है. ओके अंजलि, आप बताइए. सर 1 amu. 1 amu, ठीक है. सिमिलरली हीलियम का क्या होता है सर? 4 amu. 4 amu, ओके. कार्बन का सर? 12. ऑक्सीजन का? 12 amu. सर 16 amu. 16. नाइट्रोजन का सर? 15 amu. 14, ठीक है. ओके, तो ये टेबल है एनसीईआरटी में, इन दिस टेबल यू कैन फाइंड इन एनसीईआरटी चैप्टर 3, ठीक है. आप लोग देखना है इसको, आपको मिल जाएगा. तो दिस इज योर होमवर्क नंबर 1, ये आपको क्या करना है, ये चीज पूरा क्या करना है, मेमोराइज कर लेना है, ठीक है. दिस इज 1 थिंग. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर. यस सर. तो ये आपके रिलेटिव एटॉमिक मासेस का वैल्यू होता है. अब देखो, आप अगर एक तरह से देखा जाए तो जैसे हम इसको 1 by 12th of C12 isotope के टर्म्स में RAM को डिफाइन किए, इसको अलग तरीके से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है. तो RAM अभी हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया, RAM ऑफ लेट अस से एलिमेंट X इज इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट X अपॉन 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. अगर इसी को लेटेस्ट से आपको मास ऑफ हीलियम के टर्म्स में अगर आप डिफाइन करना चाहो, ठीक है, तो RAM इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट X अपॉन सम नंबर, यहाँ पे नंबर क्या होगा वो आपको बताना है, इनटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ हीलियम. ये बक्से में कौन सा नंबर भरेगा प्रत्युष, बताइए. सर 1/4. 1/4, क्लियर है सबको? यस. यस सर. अंजलि एंड सात्विक, आप लोग क्लियर है? यस सर. ओके. सिमिलरली अगर इसको आपको ऑक्सीजन के टर्म्स में लिखना होगा तो क्या आएगा यहाँ पे नंबर? 1/16. 1/16, क्लियर है सबको? यस सर. मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इस तरह से. तो इसको बहुत तरीके से अपन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है. अब हम लोग आ जाते हैं मेन जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, दैट इज मोल कंसेप्ट, ठीक है. तो वन सेकेंड. जस्ट वेट अ मिनट. Thank you.
ओके क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग. हाँ मोल कंसेप्ट. ठीक है तो अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा जैसे मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन ये कितना है बोलो मेरे को. तो 16 amu. ठीक है इसको अगर आप ग्राम्स में बताएंगे तो कितना ग्राम होगा. सात्विक आप बताइए. सर नहीं पता. नहीं पता अभी बताया ना ये amu को हम लोग कैसे केजी में कन्वर्ट करते हैं पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था. कहाँ गया. ठीक है तो 1 amu is equal to 1.6 into 10 to the power minus 27 kg. Is it clear? Yes, yes. sir. हाँ तो मास उसका कितना है 16 amu है मतलब 16 into 1.66 into 10 to the power minus 27 ये हो जाएगा kg. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अब इसको अगर आपने ग्राम में कन्वर्ट किया तो क्या करेंगे 10 to the power 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इतने ग्राम हो जाएंगे. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So this is the mass of one atom of oxygen. Now, can someone tell me what is the mass of one mole atoms of oxygen? ठीक है. सात्विक आप ये कैलकुलेट करके बताओ मेरे को. सब लोग कैलकुलेट करो और बताओ मेरे को. Mass of one moles of oxygen atom. कितना हो जाएगा in terms of gram? ठीक है. जल्दी quickly. सर 159.89 into 10 to the power minus 1. 159.89 into 10 to the power minus 1. तो ये क्या हो गया 15.989. ठीक है तो approximately equal to कितना हो गया 16 ग्राम हो गया. ठीक है yes, sir. तो yes, इससे अपने को क्या पता चलता है किसी भी एटम का एक एटम का जो मास है एमयू में. ठीक है वही क्या हो जाता है एक मोल एटम्स का मास हो जाता है इन ग्राम. बात समझ में आ रही है. yes, मतलब मास ऑफ वन एटम इन एमयू दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू न्यूमेरिकली दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम्स विद द यूनिट ऑफ ग्राम. इज इट क्लियर टू एवरीवन. यस सर. ओके तो मेरे को अब आप लोग ये बताओ वन मोल सात्विक ये क्लियर है आपको कैसे हो रहा है. यस सर. ओके देन वन मोल सीओ टू का मास मेरे को बताओ ग्राम में क्या होना चाहिए. सर 44 ग्राम. 44 ग्राम होगा क्योंकि एक मोल CO2 के अंदर क्या है एक मोल CO2 के अंदर एक सेकंड माय बैटरी इज लो टू बी एट द चार्ज जस्ट वेट अ मिनट.
ओके तो मास ऑफ वन मोल ऑफ सीओ टू एटम्स कैसे होगा, वन मोल ऑफ सीओ टू मॉलिक्यूल्स, तो पहले कार्बन का मास आप निकालो, दैट इज 12 ग्राम, ठीक है, वन मोल कार्बन एटम्स. सिमिलरली ऑक्सीजन का कितना होता है 16, एंड यू हैव टू ऑक्सीजन एटम्स, तो 16 इनटू 2 दैट इज 32, तो टोटल मास ऑफ सीओ टू विल बी 12 प्लस 32 दैट इज 44 amu एक एटम का. यस सर. ठीक है, फिर सॉरी एक एटम नहीं, एक मॉलिक्यूल ऑफ सीओ टू का मास विल बी 44 amu, एंड सिमिलरली वन मोल ऑफ सीओ टू विल हैव मास ऑफ 44 ग्राम. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर. सबको समझ में आ रहा है कैसे करेंगे, amu से कैसे कन्वर्ट करेंगे? यस सर. तो बेसिकली दिस इज योर, इन अ नटशेल दिस इज योर मोल कंसेप्ट. ठीक है, दिस इज योर मोल कंसेप्ट. तो आई एम गिविंग वन क्वेश्चन, इससे पता चल जाएगा आप लोगों को कितना समझ में आया है. ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो आई विल एक्सप्लेन अगेन. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. कैलकुलेट, दिस इज कैलकुलेट ए, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स इन वन थर्टी सिक्स ग्राम वाटर. सेकेंड, 132 ग्राम सीओ टू गैस, देन 96 ग्राम ओजोन, 98 ग्राम H2SO4. एंड 200 ग्राम ऑफ CaCO3. ठीक है, और हम रिलेटिव एटॉमिक मास सबका दे रहे हैं. ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा, हाइड्रोजन का है 1, ऑक्सीजन का है 8, सॉरी ऑक्सीजन का है 16, देन सल्फर का है 32, कैल्शियम का है 40, कार्बन का है 12. ठीक है, तो जस्ट सॉल्व दिस, 5 into 2, 10 आंसर्स यू हैव टू गिव मी. ठीक है, 1 के लिए ए बी, 2 के लिए ए बी, 3 के लिए ए बी, लाइक दिस. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर. ओके, तो इसको ट्राई करिए, फिर हम लोग रिज्यूम करते हैं.
सर बन गया। बाकी लोग सर पूरा नहीं हुआ अभी। अच्छा ठीक है, करिए करिए। सर हो गया। तो सात्विक आप बताइए पहले पार्ट का आंसर क्या होगा। ए का सर वो नहीं है। सात्विक नहीं है। अच्छा ठीक है, आप बताइए अंजलि। सर फर्स्ट का ए का 1.05 मोल्स। 1.05 मोल्स ऐसा कैसे आ रहा है सर? 2 मोल्स। 2 मोल्स आएगा। वाटर का वेट निकाला है आपने? वाटर का वेट कितना है अंजलि? सो सॉरी सर, कैलकुलेशन मिस्टेक। अच्छा ठीक है। बी का बताइए प्रत्युष, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। हाइड्रोजन एटम का 4 और ऑक्सीजन का 32। नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? जैसे वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है टोटल? 3 है ना, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, राइट? हेलो सर। हाँ, तो 2 मोल वाटर में कितने होंगे? टोटल 4 मोल हमारे ये हो जाएंगे हाइड्रोजन, और 1 मोल हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन। यस सॉरी, 4 और 2 हो जाएगा, है ना? तो टोटल 6 मोल्स हो जाएंगे। यस क्लियर? यस सर। ओके, बी पार्ट का आंसर, सॉरी सेकंड पार्ट का आंसर बताइए, ए और बी का। सर कौन? आप ही बताइए। सर ए होगा 3 मोल्स और बी 6 मोल्स। 6 या फिर 9? एक एटम में 3 है सर। 9 ठीक है। यस सर। यस ओके। अंजलि आप बताइए थर्ड पार्ट का। सर ए का 2 मोल्स एंड बी 6 मोल्स। ओके देन प्रत्युष आप नहीं, इसका बताइए H2SO4 का। सर ए 1 मोल्स। सर 7 मोल्स। करेक्ट ठीक है। यस सर। नंदनी आप बताइए इसका, सॉरी अंजलि। सर 5 का ए का 2 मोल्स एंड बी 10 मोल्स। ओके करेक्ट ठीक है। तो आप लोग को लगभग लगभग ये समझ में आ गया है ठीक है।
तो हम आई एम शोइंग यू सम शीट जो आपको होमवर्क में करके आना है, ठीक है? नॉट दिस, तो ये शीट हम डालेंगे, इसका आपको सेक्शन ए करके आना है, ठीक है? यस सर। सेक्शन ए में टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, ये 10 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है? यस सर। चलो ठीक है, और किसी को कुछ डाउट पूछना है आज जो डिस्कस किया उसमें? नो सर। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, कल फिर हम लोग जो टाइम होगा आपको मैसेज कर देंगे, ठीक है? सर एक सर आप होमवर्क भेजे थे वो डिस्कस नहीं हुआ था। कौन सा होमवर्क? सर सर केमिस्ट्री वाला। कौन सा? सर फाउंडेशन साइंस वाला। फाउंडेशन वाला, ओके ओके ठीक है, कल पहले उसको डिस्कस कर लेंगे फिर इसके डाउट्स को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? यस सर। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।